मोदी सरकार, अगर वो डर नहीं होता तो वो फ्रीज क्यों करती। क्या हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं या नहीं है? भाई गाय के कारण फ्रीज इसलिए किया गया है कि उनको पता है ना कि हम आने वाला समय में ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें उनका क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए, एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, वहीं आज तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके जो अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, वहीं इस पर तमाम जो कांग्रेस के हैं नेता हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और पटना के इनकम टैक्स पे जो है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो निकली हुई है उस पर भी काफ़ी कुछ बोला है, एक बार आप सुने। सड़कों पे बैठ गए हम लोग, शुरू से सड़कों पे ये देख रहे हैं, जो मोदी सरकार 2024 में जा रही है उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इसीलिए विपक्ष को तरह तरह से परेशान कर रही है, कभी ईडी से कभी सीबीआई से, और अब तो हद ही हो गया कि खाता ही फ्रीज कर दिया। अरे भाई तुम अपना चेक करवाओ ना कि तुम्हारे पास 1000 करोड़ रुपया, 10000 करोड़, 500 करोड़, 90000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? तुम बहुत ईमानदार कि 90000 करोड़ है, और हम लोग बहुत बेईमान कि हम लोग के पास 50 करोड़ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है और वो मतलब न्याय की मूर्ति है, लेकिन मोदी सरकार जो फ्रीज कर दी है ये अकाउंट कांग्रेस का, वो डर से की है। कायर मोदी सरकार, अगर वो डर नहीं होता तो वो फ्रीज क्यों करती? इसलिए उसको डर है कि अगर हम ये सब तरह से विपक्ष को नहीं डराएंगे तो मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि सुपड़ा उनका साफ होने वाला है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, जनता देख रही है, और हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से 24 में सरकार बनाएंगे केंद्र में, महागठबंधन की सरकार। हाँ हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि जो काम उन्होंने किया वो हमारे नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था। ठीक है, तो वही थे, तो वही लाए थे को नरेंद्र मोदी ही इस बॉन्ड को लाए। वो बाउंड लाए कहाँ थे? वो लाए कहाँ? हम लोग का जो सीज किए और उस पर जो एक्शन दिया उस पर तो उनको हम बधाई देना चाहते हैं, और आगे और देखिए कितना वो लोग करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी बिहार और पूरे दौरे पे निकले हुए हैं, बिहार भी आए थे। हाँ हाँ, अभी इस दूसर का गांधी जी हैं। हाँ, केसी यादव भी निकल रहे हैं। और तो निषेधे तो हमारे भाई हैं। हाँ, वो तो हमारे भाई हैं। जिस समय उस समय भी सारथी के रूप में, अर्जुन के सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी माने बने थे, आज भी सारथी के रूप में उन्होंने काम करने का माने दिया है। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी जो पूरे भारतवर्ष के दौरे पर हैं, वो भारतवर्ष के लोगों से मिल रहे हैं। आज जिस तरह से लोग पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से छले हुए महसूस कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी तंत्र को जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, क्या हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं? जब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, और केंद्र में बैठी सत्ता में, केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी हर देश की जनता की बात को सुनना चाहिए और उस पर लागू होना चाहिए। लेकिन उल्टा होता है, वहाँ पर उन्होंने देश की जनता की आवाज़ नहीं सुनते हैं, ऊपर से किसानों पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार, इस तरह के बहुत सारे अत्याचार प्रशासन के द्वारा, ईडी, सीबीआई। भाई बैंक अकाउंट फ्रीज इसलिए किया गया है कि उनको पता है ना कि हम आने वाला समय में ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें उनका क्या रिजल्ट आने वाला है, ये उनको अच्छे से पता है। आज देश की जनता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी है। ठीक है, उन्होंने हमारा बैंक अकाउंट सीज कर दिया, आज हर एक व्यक्ति इस संकल्प लेकर करके निकल चुका है कि हम अपने घर से अपना पैसा लगा कर करके आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 पुलिस को आगे करता है। तो आपने सुना कि किस तरीके से तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं और इसीलिए तमाम कांग्रेसियों का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।